आज की इस वीडियो के अंदर हम ये जानने का प्रयास करेंगे जो आपका स्पेस बटन है इसके क्या क्या यूज है आपके कंप्यूटर के अंदर। एक उपयोग तो आप सभी जानते हैं कि दो टेक्स्ट के बीच में जगह देने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, लेकिन मैं आपको पांच इसके उपयोग बताने जा रहा हूँ। यकीन माने दोस्तों, पांच उपयोग। चलिए जान लेते हैं क्या क्या उपयोग है। दोस्तों, पहला उपयोग तो आप सभी जानते हैं, दो टेक्स्ट के बीच में जगह देने का काम इसी यंत्र का है। दूसरा इसका उपयोग यह है, आप VLC प्लेयर चला रहे हो या फिर KMPL प्लेयर चला रहे हो या फिर कुछ एक प्लेयर, ठीक है, उनमें वीडियो या गाने को रोकने के लिए बस स्पेस बटन को दबा दीजिए, गाना अपने आप ही रुक जाता है। ये वो सबसे ज़्यादा मैं इसी का उपयोग करता हूँ गाना रोकने के लिए। बस बड़ा बटन है, बिना माउस का हाथ लगाए दबा लीजिए, रुक जाएगा, ठीक है। ये आप कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे, ठीक है। अब हम बता रहे तीसरा उपयोग। देखिए, आप अल्टर प्लस स्पेस दबाने के बाद में एक छोटी सी मेनू ओपन होती है, वहाँ पर चार ऑप्शन होते हैं, चार से पांच ऑप्शन, ठीक है। वहाँ पर मिनिमाइम, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज, यानी आप अगर आपका माउस रुक गया है किसी कारण तो यही यंत्र है। इसके साथ अल्टर प्लस स्पेस दबा के आप किसी प्रोग्राम को आधा कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं और उसको काट भी सकते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं इसका चौथा उपयोग। देखिए, अगर आप स्पेस बटन को दबाकर आप जो आपके वेब पेज है उनको उस पर आप नीचे जा सकते हैं बिना माउस के हेल्प से, है ना दोस्तों, शानदार उपयोग। देखिए, पांचवा उपयोग यह है कि जो अंग्रेजों के बनाए हुए गेम है और उसके अंदर जो पात्र है, यानी जो हम है कुल मिलाकर जो गेम खेल रहे हैं, उसको हम जंप कराना चाहते हैं या कुदाना चाहते हैं, या तो उसके लिए हम स्पेस बटन दबाते हैं अधिकतर गेम के अंदर, यानी 70% गेम तो ऐसे होते हैं कि अगर स्पेस बटन दबाएंगे तो आपका पात्र अपने आप जंप करेगा। तो इसके लिए ये पांचों उपयोग है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अच्छा लगा चैनल तो सब्सक्राइब भी करें यार। थैंक यू।